मेरा जन्म डोरसी गांव में हुआ है, और मेरे पेरेंट्स ने ये सेक्रीफाइस किया कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ा फॉर स्टडीज ऑफ माइन एज वेल एज माई सिस्टर्स। तो ये मैं चाहूँगा कि आने वाले परिवारों को वो ना करना पड़े, और उसके लिए वहाँ पर शिक्षा की जो सहूलियत है वो अवेलेबल हो, और इनफैक्ट मैं उस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश भी करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। हाल ही में यूपीएससी का पेपर क्लियर कर चुके नितिन सिंह जो हैं वो आज कठुआ पहुंच चुके हैं, और फाइनली आज हम उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और इस वक्त हम ग्यारह तक में हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, पहले आपने जेके केएफ का पेपर जो है वो क्लियर किया था, और तब भी मैं सोच रहा था कि आपका इंटरव्यू करूं, लेकिन फाइनली आज फिर आपने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले आपने केएफ का पेपर क्लियर किया, क्या ड्रीम, जैसे आपने बात की आपका ड्रीम यूपीएससी का था, फिर आपने पेपर क्लियर किया है, क्या परखना चाहते थे अपने आपको कि ये वाला पेपर हम क्लियर करेंगे? सर, परखना सब सही नहीं होगा, क्योंकि जे एन के सिविल सर्विसेज अपने आप में एक प्रेस्टीजियस सर्विसेज है। मैं वो भी पेपर इसलिए दिया क्योंकि फॉर द सर्विसेज इटसेल्फ वो भी हमें एक बहुत बेहतरीन मौका और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं टू सर्व पब्लिक। बट माय एस्पिरेशन वाज नॉट येट कंप्लीट, तो मुझे लगा कि यूपीएससी एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है, पूरे देश भर के लिए मौका मिलता है, तो उसको भी ट्राई किया जाना चाहिए। सर, आपका गाँव वहाँ पे हम गए थे, फोर लाइन बेस्ट बी और टोरसी गांव के आप रहने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए, इंस्पिरेशन है कि वहाँ दूर दराज क्षेत्र कंडी क्षेत्र है और आप वहाँ से निकल के आगे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा जन्म डोरसी गांव में हुआ है, और मेरे पेरेंट्स ने ये सेक्रीफाइस किया कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ा फॉर स्टडीज ऑफ माइन एज वेल एज माई सिस्टर्स। तो ये मैं चाहूँगा कि आने वाले परिवारों को वो ना करना पड़े, और उसके लिए वहाँ पर शिक्षा की जो सहूलियत है वो अवेलेबल हो, और इनफैक्ट मैं उस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश भी करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। और सभी परिवारों से ये सलाह है कि ये एडवाइस है उनको कि किसी भी बच्चे का अगर सक्सेस होता है तो वो बच्चे का नहीं, उसके पूरे परिवार का होता है, और ये मेरी एग्जाम्पल में भी एकदम सही है। मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, उन सब का टीम वर्क है जो कि मुझे आज मिल पाया है, और बच्चे के ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट डेडिकेशन फोकस्ड वर्क दैट हैज टू बी देयर। सर, ये कब से आप तैयारी जो है वो यूपीएससी की कर रहे थे? सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो पिछले 3 सालों से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि कितना सफर आपका कैसा रहा, यूपीएससी क्लियर करने का सफर आपका किस तरह का, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी कि मैंने ये ड्रीम देखा हुआ है मुझे पूरा करना है, कितनी मुश्किलें जो है वो आई? सर, मैंने ग्रेजुएशन 2019 में किया था, तो उसके बाद से ही मैं इसकी सर्विसेज की तैयारी के लिए बैठ गया था, मगर 2019 और 2020 में कोविड वेव और 21 में भी उस वजह से डिसरप्शन आया था, मुझे वापस घर पे रहना पड़ा था, और आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, तो उससे डिसरप्शन होता है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और कई बार आपके रिलेटिव्स हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो वो भी आपके ऊपर एक मेंटल वेट पड़ जाता है, मगर स्टिल डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, दीज आर द वेरी वर्ड्स विच आर सो मेनी क्लीशेड, बट दे आर एक्चुअली द रियल थिंग दैट वन हैज टू डू। तो उन्होंने ही मेरे को, मतलब वही चीज़ें थी जिसके सहारे मैं ये कर पाया हूँ आज। इतना समय जो है वो यूपीएससी पेपर के लिए देना पड़ता है, क्योंकि बड़ी सारी मुश्किलें होती हैं, 1 टायर 2 टायर, तो कितनी मुश्किलें होती थी और किस तरह से आपने कितने घंटे जो है पढ़ाई को दिए? सर, ये घंटों में तोलना सही नहीं है सर, मगर 6-7 घंटे एटलीस्ट दिन के तो देने पड़ते हैं, और उसके अलावा कई बार ये ज़्यादा भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपको, किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन 6-7 से कम भी हो सकता है, मगर ये है कि यू शुड हैव द ब्रॉडर पिक्चर इन माइंड ऑलवेज, और एक टारगेट्स आपको सेट करने होते हैं, वो टारगेट्स आपको कंप्लीट करते रहना होता है ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, और उसके साथ ही साथ हम हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और ए हेल्दी माइंड, इन ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, तो वो सब एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन है। लाखों युवा जो हैं वो सपना देखते हैं और एग्जाम देते हैं, कई बार जो है वो पास हो जाते हैं फिर तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है, या कभी हार नहीं माननी और आपने आगे बढ़ना? सर, यूपीएससी ने खुद 6 अटेम्प्ट्स रखे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और यूपीएससी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग एंड इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ आर कंट्री,
तो उन्होंने जब डिसाइड किया कि आपको 6 अटेम्प्ट्स का मौका दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनका ये मैसेज है कि यू ट्राई एंड ट्राई टिल यू गेट इट। और यही मैसेज मैं भी अपने बाकी सभी साथियों को दूंगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स और आने वाली जो जनरेशन है, कि यू जस्ट ड्रीम एंड गो टू अचीव इट। एनी फेलियर इज़ जस्ट ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फेलियर उस दिन होता है जिस दिन मैं डिसाइड कर देता हूँ कि आई विल नॉट फाइट एनी मोर। तो विवेकानंद जी का एक कोट है कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज अचीव्ड, तो वही मंत्र है सर। आप ऑफिसर बन चुके हैं, आपको लगता है आज भी गांव हमारे गांव ऐसे हैं, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बड़ा नीचा है, किस तरह से आप, अगर आपकी लाइन वो मिली तो आप किस तरह से काम करें? सर अभी खैर हमें तो ट्रेनिंग में जाना है, ट्रेनिंग से सीखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हैं, और डाइवर्स, इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जो फार्मूला यहाँ पे लागू होगा वो कहीं और लागू नहीं हो सकता है, तो वो अप्रोच तो रहेगी ही। उसके अलावा जो मुझे जहाँ तक अभी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ में, खासकर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स को भी इक्वली इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इनफैक्ट पेरेंट्स की इच्छा है कि बच्चे पढ़ें, मगर उनकी इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है पूरे सिस्टम में। तो वो अकाउंटेबिलिटी अगर जनरेट हो और एक जेन्युइन ट्रेनिंग फॉर टीचर्स आल्सो, वो सेंसिटाइज करें टीचर्स को लोकल इश्यूज के बारे में, तो दैट कैन हेल्प अ लॉट। आपने कठुआ स्टार की टीम से बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिर एक बार मुबारकबाद। थैंक यू सर। आपने देखा नितिन जी से बातचीत जो है वो हो रही थी, और इस वक्त हम दयाला चक में हैं और यहाँ पहुंचे थे, और हम ये मैं बता देना चाहता हूँ कि 32वीं रैंक जो है वो नितिन सिंह ने जो है वो यहाँ पर आज लाई है, और बड़ी गर्व की बात है कठुआ के लिए, अपने गांव के लिए और अपने माता पिता के लिए। और जिस तरीके से उन्हें कहा कि थर्ड अटेम्प्ट में जो है उन्होंने ये जो है 32वां रैंक हासिल किया, और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कठुआ स्टार से मनीष टिहरिया कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।